हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वरगान पंचाल और आप मुझे देख रहे हैं एएस नेटवर्क जोन यूट्यूब चैनल हिंदी सीरीज में। हिंदी सीरीज में आज का हम लोगों का जो सेशन है इसका नाम है सर्वर बिल्ड प्रोसेस पार्ट टू। अगर आप में से किसी ने सर्वर बिल्ड प्रोसेस पार्ट वन स्किप कर दिया या मिस कर दिया है तो मैं सबसे पहले आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप पार्ट वन जरूर देखें, तो आपको पार्ट टू और अच्छे से समझ में आएगा और ये भी पता लगेगा पार्ट टू बनाने का रीजन क्या था। वेल, सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आप सभी का बाय हार्ट थैंक यू करना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों ने सर्वर बिल्ड प्रोसेस पार्ट वन को बहुत ज्यादा लाइक किया, सपोर्ट किया और कमेंट्स भी करे, साथ साथ मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप लोगों ने डीएम करके क्वेरीज करी और सजेशंस भी दिए, जिसकी वजह से आज मैं यहां पर लेकर आया हूं सर्वर बिल्ड प्रोसेस पार्ट टू। तो चलते हैं आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सर्वर बिल्ड प्रोसेस को लेकर आप सभी ने डिफरेंट डिफरेंट वीडियो जरूर देखी होगी और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर देखी होगी, एंड आई एम डैम श्योर 99% लोग तो ये कहेंगे कि हमने एक ही वीडियो देखी है, सर्वर ओएस इंस्टॉलेशन। राइट, सर्वर ओएस इंस्टॉलेशन विंडोज बेस्ड भी हो सकता है या लिनक्स बेस्ड भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क है क्या ये सर्वर बिल्ड प्रोसेस कहलाता है। आंसर होगा बिग नो। नो क्यों? क्योंकि रीजन ये है कि हमने वो सर्वर जो बिल्ड करना है वो इसलिए बिल्ड करना है सो दैट उस पर कोई स्पेसिफिक सर्विस एग्जीक्यूट हो सके या कोई टास्क परफॉर्म हो सके। तो उस सर्वर पर अभी तक हमने कुछ सर्विस कॉन्फ़िगर नहीं करी, कोई रोल कॉन्फ़िगर नहीं किया, केवल एक ओएस इंस्टॉल कर दिया। हाँ, वो ओएस जो है थोड़ा पावरफुल है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सर्वर ओएस है। राइट, सो इन सारी चीजों को समझने के लिए हम एक काम करते हैं, एक लाइव एग्जांपल लेकर चलते हैं और फिर चीजों को समझते हैं कि क्या क्या करना पड़ता है सर्वर बिल्ड प्रोसेस को लेकर। राइट, फॉर एन एग्जाम्पल, मैं मतलब जहां भी मैं बोलूंगा बार बार वीडियो के अंदर मैं का मतलब आप समझ ले अपने आप को। तो मैं एक ऐसी कंपनी के अंदर काम करता हूं जहां पर उस कंपनी का वर्किंग स्टाइल Amazon या Flipkart जैसा है। राइट, यानी ट्रेडिंग होती है, सेल परचेज होता है और अलग अलग आइटम्स वो कंपनी सेल परचेज करती है, और अभी ये कंपनी न्यूली स्टार्ट हुई है। तो कंपनी ने मुझे कहा, और कंपनी का एक और चीज भी है, आईटी से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप जो भी करना है वो भी मैं करता हूं और सजेशंस होती है तो वो भी मैं ही देता हूं। तो कंपनी के ओनर ने मेरे से सजेशंस में ये पूछा कि हमारी कंपनी के अंदर भी 100 एम्प्लॉयज हैं और सिंगल साइट यानी एक ही लोकेशन पर हम अभी काम कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइट नहीं है, तो हमें उन सभी एम्प्लॉयज को कंप्यूटर्स में लैपटॉप देना चाहिए या डेस्कटॉप देना चाहिए। सो इकोनॉमिकल वाइज अगर देखें तो बजट वाइज मैंने कंक्लूजन निकाला कि मैंने कहा एक काम करते हैं, जो हमारे प्रीमियम एम्प्लॉयज हैं उन्हें लैपटॉप दे देते हैं, रेस्ट एम्प्लॉयज को हम डेस्कटॉप दे देते हैं। राइट, क्योंकि डेस्कटॉप थोड़े इकोनॉमिकल हम लोगों को बजट में आ जाते हैं, सस्ते भी होते हैं। तो जैसे ही मैंने, यानी कि जो प्रीमियम एम्प्लॉयज मेरे को उन 100 आउट ऑफ 100 में से मिले वो 10 एम्प्लॉयज थे, यानी 10 लैपटॉप्स मैंने परचेज कर लिए और मैंने 90 कंप्यूटर्स यानी डेस्कटॉप परचेज कर लिए। एक्चुअली 90 भी नहीं परचेज किए, परचेज तो मैंने डेस्कटॉप 100 ही किए। अब आप लोग पूछेंगे 100 क्यों परचेज किए, क्या फायदा था? तो फायदा ये था, हो सकता है इन फ्यूचर मेरा कोई डेडिकेटेड डेस्कटॉप खराब हो जाए, मैं वहां पर उस पर कोई टेक्निकल ट्रबल शूट ना कर पाऊं, तो इन अ मीनवाइल टाइम उस एम्प्लॉय का टाइम वेस्ट होगा, तो मैं उसे किसी दूसरे डेडिकेटेड डेस्कटॉप पर पिटा दूंगा कि भैया तुम अपना इस पर काम कर कंप्लीट कर लो, तो कंपनी को भी डिले नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगी, तो टास्क भी चलता रहना चाहिए। राइट, सो 100 कंप्यूटर्स यानी 100 डेस्कटॉप्स परचेज कर लिए और 10 लैपटॉप्स परचेज कर लिए। क्लियर है यहां तक कहानी? अब जैसे ही मैंने ये सारा सेटअप कर दिया, थोड़े दिन बाद कंपनी के अंदर एक प्रॉब्लम मुझे सबसे ज्यादा चैलेंज फेस करनी पड़ी। क्या कि एम्प्लॉयज क्या करते थे, अपने डेडिकेटेड कंप्यूटर पर नहीं बैठते थे और उनका कहना है एक चीज होती थी कि सर हमारा डेटा फला कंप्यूटर पर पड़ा है या उस कंप्यूटर पर पड़ा है, या आज मैं इस कंप्यूटर पर बैठ गया हूं जो मेरा ओल्ड कंप्यूटर था वो क्रैश हो गया और सारा डेटा उसी पर था, अब मैं क्या करूं। तो ऐसे केस में आपको अपनी कंपनी के अंदर सबसे पहली चीज एक ऐसा सर्वर क्रिएट करना पड़ेगा जहां पर सेंट्रलाइज डेटा सेफ हो सके। राइट, अब ऐसे कंप्यूटर यानी ऐसे डेडिकेटेड सर्वर को क्या कहेंगे और ऐसे सर्वर बिल्ड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो हम क्या कर सकते हैं, वैसे या तो स्टोरेज परचेज करके लेकर आ सकते हैं मार्केट से। अब स्टोरेज भी सेंट्रलाइज हो सकते हैं, सैन या नेस, जो भी आपके बजट में आता हो वो आप परचेज कर सकते हैं, मैंने कंपनी को भी यही सजेस्ट किया, या फिर आप अपनी कंपनी में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं रेड। राइट, रेड के बिहाफ पर आप क्या होगा, एक डेडिकेटेड कंप्यूटर होगा, क्योंकि डेटा कंपनी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, डेटा क्रैश हो गया तो सब कुछ वाट लग जाती है। राइट,
तो मैंने कंपनी को सजेस्ट किया आप एक काम करो, इन सभी 100 एम्प्लॉइज के लिए आप रेड सर्वर बिल्ड करा लो, यानी कि एक सर्वर इंस्टॉल करो, सबसे पहले एक हार्डवेयर लेकर आओ, उस सर्वर पे कई सारी हार्ड डिस्क होनी चाहिए और उस सर्वर पे सर्वर ओएस इंस्टॉल करके रेड कॉन्फ़िगर कर दो। अब अगर आप में से कुछ अभी ऐसे बंदे हैं जिन्हें रेड के बारे में नहीं पता है या स्टोरेज के बारे में नहीं पता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं स्पेसिफिक उस पर भी वीडियो शूट करूंगा, उस पर उसके बारे में ज्यादा डिटेलिंग हम लोग करेंगे। लेकिन अभी के लिए फिलहाल आप इतना समझ ले, रेड का मतलब एक ऐसा डेडिकेटेड सर्वर जिस पर हम लोगों का डेटा रिडेंडेंसी मिलेगी, यानी कि रिडेंडेंट एरे इंडिपेंडेंट डिस्क। सो दैट इसमें फायदा क्या होगा कि एक हार्ड डिस्क में अगर मेरा डेटा है, कल को ये हार्ड डिस्क क्रैश भी हो गई तो मेरे पास एक अल्टरनेट हार्ड डिस्क होगी जिसमें मेरा डेटा सेफ है, और इस हार्ड डिस्क को हम शेयर कर देंगे अपने 100 एम्प्लॉइज के साथ और उनसे सभी को ये सजेस्ट करेंगे कि अपना जो भी डेटा है वो सारा का सारा डेटा इसी डेडिकेटेड हार्ड डिस्क में सेव करें, यानी इस डेडिकेटेड कंप्यूटर पर सर्वर पर सेव करें, राइट? तो सबसे पहली चीज तो ये फायदा मेरे को मिलना। अब दूसरी प्रॉब्लम ये आने लगी कि मुझे वो सारी प्रॉब्लम क्या थी, दूसरी प्रॉब्लम वो ये थी कि मुझे मेरे एम्प्लॉइज कहते थे, यानी मेरे यूजर्स कहते थे, क्योंकि हमारी आईटी फील्ड के अंदर तो हम लोग एम्प्लॉइज को एम्प्लॉइज ना बोलकर यूजर्स बोलते हैं, तो वो यूजर्स कहते थे कि सर मैं उस कंप्यूटर पर बैठा था तो उस कंप्यूटर का यूजर नेम पासवर्ड ये था, इस पर बैठा हूं तो इसका यूजर नेम पासवर्ड क्या है, तो यानी कि मुझे हर कंप्यूटर का यूजर नेम पासवर्ड भी शेयर करना पड़ेगा या याद रखना पड़ेगा, या सबका पासवर्ड यूजर नेम और पासवर्ड शेयर कर दूं। अब अगर आप काम कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं वर्क ग्रुप एनवायरमेंट में, तो एक प्रॉब्लम और आने वाली है, क्या कि चलो ठीक है आपने यूजर नेम पासवर्ड तो शेयर कर दिया, लेट सपोज आपने सभी कंप्यूटर पे एक यूजर नेम और पासवर्ड बनाया था, यूजर का नाम था एडमिन और पासवर्ड आपने दे दिया 12345 और सभी एम्प्लॉइज को बता भी दिया कि भैया ये यूजर नेम है ये पासवर्ड। कल को अगर आपकी कंपनी का ओनर आपको कहता है कि स्पेसिफिक फला एम्प्लॉय के बारे में आप डिटेल ट्रेस करो कि ये यूजर क्या काम करता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि यूजर कुछ गलत काम कर रहा हो, इलीगल काम कर रहा हो या कुछ और काम कर रहा हो, तो ऐसे केस में मैं उस यूजर को कैसे ट्रेस करूंगा, या इस यूजर के जो ये यूजर है ये किस तरीके का डेटा अपने कंप्यूटर पे सेव करके रखता है, ये क्या सारा का सारा डेटा हमारे लिए यूजफुल है या नहीं है, तो ये सारी चीजें कैसे ट्रेस करूंगा, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, डोमेन एनवायरनमेंट पे शिफ्ट हो जाते हैं, और डोमेन एनवायरनमेंट में जैसे ही शिफ्ट होते हैं हमें सबसे पहले एक सर्वर का नाम दिमाग में आता है, वो है डोमेन कंट्रोलर। यानी कि आप अपनी कंपनी को जैसे ही स्टार्ट करते हैं आप एक डोमेन कंट्रोलर यानी सर्वर बिल्ड कर लें जिस सर्वर का नाम होगा डोमेन कंट्रोलर, यानी सर्वर ओएस तो आपने जैसे इंस्टॉल किया, जैसे आपने सर्वर बिल्ड प्रोसेस पार्ट वन में हम लोगों के देखा कि विंडोज सर्वर ओएस इंस्टॉल कर लें, उसके बाद आगे का टास्क क्या करना है, उस पर हमने जो रोल कॉन्फ़िगर करना है वो करना है डोमेन कंट्रोलर का रोल कॉन्फ़िगर, यानी ADDS। अब अगर हो सकता है आप में से अगेन फिर दोबारा बहुत सारे भाई बंधु कहेंगे कि सर हमें ADDS के बारे में नहीं पता, या इंस्टॉलेशन नहीं आती, या इंस्टॉलेशन आती है ज्यादा डिटेलिंग नहीं जानते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इन सभी सर्वर्स पर कोशिश करेंगे, हमें ज्यादा से ज्यादा सर्वर्स पर आप लोगों को डिटेलिंग के साथ वीडियोस लेकर आऊं, राइट? So, अभी के लिए फिलहाल आप केवल इतना मान के चलें कि मैं क्या करने वाला हूं, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट के लिए यहां पर एक डेडिकेटेड सर्वर लगा रहा हूं जिसका नाम है डोमेन कंट्रोलर। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स लगा सकते हैं। वेबसाइट मुझे बनानी है तो मुझे वेबसाइट के लिए IIS सर्वर बनाना पड़ेगा, लाइनक्स सर्वर यूज कर रहा हूं तो अपाचे कन्फिगर करना पड़ेगा, कंपनी में अगर कोई प्रिंटआउट का रिलेटेड अगर मेरे को कुछ काम है, जैसे कि बिलिंग मेरे को निकालनी है, जैसे किसी ने कोई ट्रेडिंग करी शॉपिंग करी उसका मेरे को बिल निकालना है, मेरे एम्प्लॉइज को, मेरी कंपनी के एम्प्लॉइज को अगर बिल निकालना है तो वो कैसे प्रिंट आउट निकालेंगे, तो क्या मैं हर कंप्यूटर के साथ डेडिकेटेड प्रिंटर रखूंगा, नहीं, मैं नेटवर्क प्रिंटर लगा दूंगा और उस नेटवर्क प्रिंटर पर भी क्या करूंगा, उसे मैनेज करने के लिए प्रिंट सर्वर लगा दूंगा, विंडोज सर्वर में उसे प्रिंट सर्वर बोलते हैं, लाइनक्स के अंदर उसे कप सर्वर बोलते हैं, तो ये सारे रोल या सर्विसेज हमें हर एक सर्वर पर कन्फिगर करनी पड़ेगी, राइट? So, ज्यादातर जब भी आप वर्किंग करते हैं वर्क ग्रुप एनवायरनमेंट में या डोमेन एनवायरनमेंट में, मोस्ट ऑफ डोमेन एनवायरनमेंट में जब भी आप काम करते हैं या बड़े एनवायरनमेंट में आप काम करते हैं, तो आपको सबसे पहली एक सर्विस की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, एक रोल की या एक सर्वर की जरूरत पड़ती है, उस सर्वर का नाम है DNS। ये DNS सर्वर आपका नेम रिजॉल्व कराता है, राइट? सो इसके बारे में भी मैं बहुत जल्द एक व्लॉग लेकर आ रहा हूं, अगला हम लोगों का कोशिश करूंगा जो व्लॉग होगा या वीडियो होगी वो DNS के ऊपर ही होगी, यानी सर्वर बिल्ड प्रोसेस कंप्लीट जो होने वाला है हम लोगों का, एक व्लॉग में नहीं, एक दूसरे व्लॉग में नहीं, तीसरे व्लॉग में नहीं, बहुत सारे व्लॉग्स आने वाले, हर व्लॉग या हर वीडियो हमारा सर्वर बिल्ड प्रोसेस को लेकर ही होगा, राइट? सो ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये कि कंपनी को मैनेज करने के लिए मुझे डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स
लगाने होंगे, डिफरेंट डिफरेंट रोल्स कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे, तभी जाकर वो सर्वर बिल्ड प्रोसेस कहलाता है। सर्वर ओएस इंस्टॉलेशन करना ही सर्वर बिल्ड प्रोसेस नहीं कहलाता है, राइट। होप आप लोगों को यहां तक का ये वीडियो, आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और एएस नेटवर्क जोन चैनल को फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर जरूर कर दें आप लोग। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप डीएम कर बता सकते हैं अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक क्वेरी है या आप चाहते कोई स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर सबसे पहले मैं वीडियो लेकर आऊं, तो मैं कोशिश करूंगा कि सबसे पहले मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर क्रिएट करूं, राइट। सो इंस्टाग्राम का आपको लिंक दिख रहा होगा यहां पर, सो मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टिप्स ट्रिक्स और आइडिया के साथ। तब तक एक ही मैसेज आपको कन्वे करना चाहूंगा, बी सेफ फ्रॉम कोरोना।